पावर सप्लाई को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारा ये जो स्विचिंग फंक्शन है, यानी स्विचिंग मेथड और स्विच मेथड, यानी स्विच और स्विचिंग, ये आपको पावर सप्लाई में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और इस रोल को अगर आप समझेंगे तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो जहाँ पे, क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अगर है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो पावर सप्लाई में आती है। और पावर सप्लाई पे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मॉस्फेट जो यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे आपको एसटीआर भी मिल सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इसके प्राइमरी में अगर यहाँ पे कोई भी स्विचिंग होता है तो कैसे होता है, इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे और बहुत इजी तरीके से बताएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो है हमारा लाइन, यानी एसी लाइन हमारा सबसे पहले इन होता है यहाँ, और इस लाइन फिल्टर से होके ये आता है ब्रिज पे। अब ब्रिज पे यहाँ पे देखें, ये हुआ पॉजिटिव और ये हुआ नेगेटिव, यानी प्लस माइनस की सप्लाई बनेगी। अब ये प्लस माइनस की सप्लाई देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये प्लस की सप्लाई इस कॉइल पे, इस ट्रांसफार्मर, चोपर ट्रांसफार्मर, एस एम पी एस ट्रांसफार्मर, कुछ भी बोलिए, यहाँ पे जो है ये इन होगा ये सप्लाई डीसी, और इसके बाद यहाँ पे जो है ये ड्रेन को जाएगा। ये है ड्रेन इस मॉस्फेट का, ये है सोर्स और ये है गेट, और फिर नीचे आ जाइए इस पे,